जय श्री राम, टाइल एंड फ्लोरिंग में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं कि 2x2 की टाइल कैसे लगाते हैं। देखो हमारा ये 2x2 के ओड़न में देखो टाइल लगने जा रही है वॉल पे। तो हमारा ये देखो लगाने का काम चालू हो गया। तो देखो कैसे लगाते हैं हम लोग। ये MYK का केमिकल है, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। देखिए MYK का केमिकल है, और केमिकल के ऊपर ही फिटिंग होता है। इसमें सिरमेंट ना मिला है कि सीमेंट हम थोड़ा भी नहीं मिलाते हैं। सीमेंट मिलाने के बाद एक काम अच्छा होता नहीं है। ये पूरा प्योर केमिकल है, आप केमिकल के ऊपर ही काम करते हैं, सीमेंट पर काम करते नहीं हैं। कि सीमेंट पर लगाने के बाद क्या होता है कि वो टाइल निकल जाता है, और केमिकल के अंदर भी लोग सीमेंट मिलाते हैं, वो कभी भी ना मिलाएं। वो मिलाने से कोई मतलब नहीं होता केमिकल का काम करके। ये देखिए हमारा ये पतरे के ऊपर ही काम होता है। ये देख सकते हैं आप कि पतरे के ऊपर कैसे इसको लगाया जा रहा है पतरे से। ये हमारा केमिकल बना के रेडी है। ये 315 नंबर है। देखिए हमारा काम चालू हो गया है, देख सकते हैं हम टाचा मारा हुआ अच्छे से। ये देखिए हमारा काम चालू हो गया। ऐसे मानने से क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, एक नया प्लास्टर जैसे ही हो जाता है। अब पकड़ अच्छी होती है, गैप नहीं रहता है, टाइल बचता नहीं है। और इससे और एक फायदा होता है कि जो पानी का थोड़ा इशू होता है कि पानी थोड़ा दीवार खींचता है, तो इससे खींचता नहीं। देख सकते हैं आपके सामने चालू लाइव वीडियो चालू है, इसमें थोड़ा सा भी हम एडिटिंग नहीं कर रहे, वीडियो को एडिटिंग करके नहीं करते हैं। जो भी रहता है एकदम रियल हम दिखाते हैं। ये देखिए दीवार के ऊपर सीधे डायरेक्ट लगा रहे हैं, देख सकते हैं। इसमें बहुत होगा तो 6 से 7 mm है, इसमें देख सकते गैप में 6 से 7 mm होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे ही लगाते हैं, कभी भी लगाए तो ऐसे ही लगाएं। देख सकते हैं हमारे वीडियो में कुछ आपको ऐसा, मेरे काम में कुछ ऐसा आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो कमेंट में आप करिए, कमेंट करिए। हमारे वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों को